आज की जो हमारी रेसिपी है ये एक फास्ट के हिसाब से, उपवास के हिसाब से ये रेसिपी है जो मैंने खुद ट्राई की है। आलू टिक्की है जिसमें मैंने शक्करकंद को कद्दूकस करके डाला है और समर के चावल लिए हैं, साबूदाना लिया है, साबूदाना, आलू, शक्करकंद और मूंगफली भी जो हम डालते हैं वो सब ज़मीन के नीचे उगते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स है कि शक्करकंद, समर के चावल, साबूदाना, इनमें कैल्शियम काफ़ी होता है और आयरन भी हमारा ये बढ़ाता है। और जो फास्ट करते वक्त जो एनर्जी हमको लगती है, ये एनर्जी और फीलिंग जो लगती है एपेटाइट के लिए, ये पूरा करते हैं। तो चलो अभी हम आलू टिक्की बनाने को लेते हैं। फ्रेंड्स, उपवास के लिए, व्रत के लिए, फास्ट के लिए जो हमें आलू टिक्की बनानी है उसके लिए मैंने यहाँ पे दो उबले हुए आलू लिए हैं, ये शक्करकंद लिया है, रताड़ा, स्वीट पोटैटो, अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट, ये साबूदाना लिया है मैंने, ये छोटा वाला है, उसको मैंने भिगो के रखा था, ये जल्दी भीग जाता है। ये देखिए छोटा छोटा ये साबूदाना हमारा हो गया है और यही साबूदाने को मैंने दरदरा ऐसे पाउडर मैंने पीस लिया है। और ये समा के चावल है, वरई, भगर जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो भी लिए मैंने, उसको भी मैंने ये ऐसे पानी में डाल के थोड़ा सा भिगो लिया था और इसको भी मैंने ऐसे दरदरा पाउडर उसका कर लिया है। भुनी हुई मूंगफली ली है मैंने, उसको भी मैंने ऐसे पाउडर कर लिया है मिक्सी में और थोड़े से ये ऐसे मोटे मोटे भी मैंने उसमें मूंगफली रखी है। ये कड़ी पत्ता लिया है, उसको मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। और ये अपना सेंधव नमक जो उपवास फास्ट व्रत के लिए चलता है वो लिया है मैंने। तो पहले जो है हमें ये शक्करकंद को हमें पूरा छिलका निकाल लेना है, पील कर लेना है। ये शक्करकंद को वैसे पील कर लेना है पहले हमें। शक्करकंद को हमने पूरा पील कर लिया है, अभी पानी में ऐसे हमें धो लेना है। और इस शक्करकंद को हमें अभी कद्दूकस कर लेना है। ये हमारा शक्करकंद जो है हमने अभी इसे कद्दूकस कर लिया है। तो चलो अभी हम टिक्की बनाने को लेते हैं। अभी टिक्की बनाने के लिए पहले जो है आलू लेना है हमें, आलू को हमें मैश कर लेना है। आलू उबालते वक्त थोड़ा ही पानी डालना, नहीं तो आलू पकने के बाद ज़्यादा गीले हो जाते हैं। अभी इसमें हम पहले मसाले डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, ये साबूदाना जो हमने भिगोया था, समा के चावल, ये सब उपवास में, फास्ट में जो खाते वही सब चीज़ें हैं। ये शक्करकंद जो हमने कद्दूकस कर लिया है, और भुनी हुई मूंगफली उसका पाउडर, और ये सेंधव नमक। अभी इन सब चीज़ों से
इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से एक साथ मिला लेना है और एक गोला बना लेना है हमें। हर उपवास में, फास्ट में साबुदाना वड़ा, साबुदाने की खिचड़ी, उससे ये आलू टिक्की बनाएंगे तो सब खाएंगे। जिसका उपवास भी नहीं है, फास्ट नहीं, वो लोग भी खाएंगे। बहुत अच्छी ये टिक्की बनती है, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई की है अलग अलग चीज़ों से बना के। ये देखिए, ये हमारा गोला बन के रेडी है। अभी इसके हम टिक्की बना लेंगे। अभी टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पे मिनी साइज़ का साबुदाना लिया है, तो मैं टिक्की भी ऐसे ये छोटी छोटी बनाऊंगी। टिक्की को थोड़ा सा ये ऐसा मोटा ही रखना। सब टिक्की अभी हम बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी हाथ को नहीं चिपक रहा है, आसानी से ये हमारा टिक्की बन रही है। इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं साबुदाना वड़ा की तरह। ये अपना साबुदाना वड़ा भी इससे हो जाएगा। अभी सब टिक्की हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये टिक्की हमारे सब बनके तैयार है। अभी ये जो हमने साबुदाना का पाउडर बनाया है और ये समा के चावल का पाउडर बनाया है, इसे हमें एक प्लेट में ले लेना है। दोनों मिक्स करने हैं हमें, अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और ये पाउडर में भी हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और ये जो टिक्की हमने बनाई है, देखिए ये बारीक साबुदाना दिख रहा है, इसमें शक्करचंद जो हमने कद्दूकस करके डाला था वो भी दिख रहा है, ये समा के चावल भी दिख रहे हैं। ये टिक्की को अभी हमें ये पाउडर में हमें कोट कर लेना है। अच्छे क्रिस्पी ये हमारे टिक्की बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इन सब को अभी हम इसमें हम कोट कर लेंगे। ये टिक्की हमारे अभी कोट हो गए हैं साबुदाना पाउडर और बगर के पाउडर से। तो चलो अभी हम इनको पकाने को लेते हैं। स्टोव पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है और इसे मैं अभी घी से ग्रीस कर लूँगी। और ये जो टिक्की बनाए हैं ये अभी पैन के ऊपर में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अभी ये दूसरी साइड से भी हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और टिक्की को हमारा जो है हमें अभी पलटा लेना है। ये देखिए, अच्छे क्रिस्पी हुए हैं ये साइड से, क्रिस्पी और ब्राउन। ये लगाए तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी दूसरे साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो पेमेंट्स, ये टिक्की हमारी सब रेडी हो गई है। अभी इसे हम ठंडा करने को रख देंगे क्योंकि इसमें साबुदाना है
साबुदाना की वजह से हमारी टिक्की जो है ये टूट सकती है ठंडा होने के बाद, ये अपने आप साबुदाना जो है हार्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये टिक्की को हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी उपवास की आलू टिक्की रेडी है, जिसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए सब उपवास के लिए, फास्ट के लिए, व्रत के लिए यूज़ करते हैं। साबुदाना है, शक्करकंद है, समा के चावल है, मूंगफली है, उससे ये हमारी टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस टिक्की रेडी हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये टिक्की हमारी रेडी हो गई है। इसे मैंने मूंगफली और दही के साथ ये चटनी बनाई है, उसके साथ मैंने ये सर्व की है। फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप भी ये रेसिपी बना के देखिएगा मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।